नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं, फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों, भाई और अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मिस करते हैं अपने आप को चूज करते टाइम कि फिटनेस बढ़िया है या बॉडी बिल्डिंग बढ़िया है या क्या ठीक है। आज की सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे प्रो टिप्स जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को, शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग की, तो सबसे पहला मेरा प्रो टिप आपके लिए है कि अपनी बॉडी को पहचाने। जब तक आप अपनी बॉडी को नहीं पहचानेंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ अपना कोई भी फील्ड चूज नहीं कर पाएंगे। आपको फिटनेस प्रोफेशन ज्वाइन करना है, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको जज करे उससे बेहतर है कि आप अपनी बॉडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में, अपने जेनेटिक्स के बारे में पहले जान ले। तो वो कैसे होगा, जैसे मैं एक आम आदमी हूं लेकिन मैं फिटनेस में पिछले 20 साल से, तो मुझे पता है मेरे जेनेटिक्स कैसे हैं, मेरी बॉडी कैसे ग्रो करती है। अब मैं चालू कितना भी, मैं वो मांस मॉन्स्टर नहीं बन सकता, वो मास मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े मसल, डेप मसल मेरी नहीं आ सकती, मेरी जो बॉडी टाइप है वो उस तरह की नहीं है। तो अगर आपको फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग में से कोई सा भी चूज करना है अपना कैरियर, तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये आप, क्योंकि आप इसके साथ पैदा हुए हैं, आपसे बेहतर इसको कोई समझ ही नहीं सकता। आपको मेंस फिजिक खेलना है, आपको आपकी बॉडी का टाइप पता होना चाहिए। आपको क्लासिक फिजिक खेलना है, आपको डिवीजन का पता होना चाहिए। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। कुछ बच्चे पहले ही महीने में जितनी ड्रामेटिकली गेन करते हैं वो सभी नहीं करते। तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को पहचानिए प्रोफेशन को चूज करने से पहले। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इन 10 टिप्स में से जो मैं आपको दे रहा हूं, वो है पैशन वर्सेस प्रोफेशन। आपको ये चूज करना है कि आपको फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग पैशन के लिए करनी है या प्रोफेशन के लिए करनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसे पैशन के लिए करते हैं तो प्रोफेशन अपना आप पहले चूज कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इंडिया में जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, देखा है ग्रो करते हुए, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले हमारे गौरव तनेजा भाई, जो बाय प्रोफेशन एक पायलट थे और पैशन के लिए वो बॉडी बिल्डिंग भी करते थे। साहिल खान भाई, सब जानते हैं उनकी मूवी आज से 20 साल पहले आई थी, बाय प्रोफेशन वो एक्टर थे, एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन पैशन के लिए वो बॉडी बिल्डिंग भी करते थे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा निर्भया मर्डर केस में, तो जो है दीपक जेलर सर, बाय प्रोफेशन वो जेलर हैं लेकिन पैशन के लिए वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना भी ऐड कर सकता हूँ, मैं पिछले 20 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैं कम्पीट भी करने लगा हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं एक पुलिस वाला हूँ जो सर्व करता हूँ पब्लिक को। तो ये बहुत जरूरी है आपको चूज करना, क्योंकि अगर आप इसको प्रोफेशन लेना चाहेंगे तो आपको बहुत डीपली इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और खुद ही अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो आपको एकदम से बॉडी बिल्डर बना दे। तो ये खुद की बॉडी पे काम करना है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज आपको क्लियर करके चलनी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस है, उनका प्रोफेशन ये है, पैशन दूसरा है। ऐसा नहीं है तो मेरा मानना ये है, अगर आप चूज कर भी रहे हैं बॉडी बिल्डिंग को एज ए प्रोफेशन, सोचिए, समझिए, जानिए, देखिए। मैं तो ये कहूंगा पैशन के लिए कीजिए, प्रोफेशन कुछ और भी चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फिटनेस मॉडल वर्सेस स्टेज बॉडी बिल्डर, दोनों में बहुत दिन रात का अंतर है। अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, फिटनेस मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जॉन इब्राहिम को, डीनो मारिया को, और अगर आप एथलीट के तौर पे भी फिटनेस को देखना चाहते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए क्या ही होगा। और अगर आपको स्टेज बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बहुत सारे एग्जाम्पल इंडियन बॉडी बिल्डर्स के हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल फॉरनर बॉडी बिल्डर्स के हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको लाइफ स्मूथली फिटनेस के साथ जीनी है तो आपको कोई शॉर्टकट वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आपको अगर स्टेज कॉम्पीट करना है, कॉम्पीट तो अलग चीज़ है, अगर आपको लेवल पे जाना है
और ग्रो करना है, जीतना है, तो उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है और उसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन करनी है जो बाय प्रोफेशन ही आप कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंट रास्ते हैं, आप यहाँ पे नेचुरली भी लंबा चल सकते हैं। सक्सेस होना, सक्सेस मंत्रा एक अलग चीज है, सक्सेस होना एक अलग चीज है, लेकिन दोनों फील्ड बहुत ही डिफरेंट है, तो डिफरेंशिएट करना सीखिए, दोनों को जानना सीखिए। तो पॉइंट नंबर 3 है फिटनेस वर्सेस स्टेज बॉडी बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 4 फाइनेंस। बॉडी बिल्डिंग जो है ना उसमें बहुत खर्चा है। फिटनेस आप अगर नेचुरली भी कर रहे हैं ना तो आप अपने आप को घर का खाना खा के भी फिट रख सकते हैं। आप बहुत सारे एक्टर ऐसे देखेंगे जो ये बोलते भी हैं और करते भी हैं कि वो वर्कआउट करते हैं, हेल्थी मील लेते हैं और इस बॉडी पे वो कोई भी ऐसी हार्म चीजें यूज नहीं करते हैं। वहीं बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं जिसमें खर्चा होता है। बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें जो खेलने के लिए औजार अस्त्र शस्त्र होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं। बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं वो बहुत चीप होते हैं। वहां पे आपकी डाइट पे इतना खर्चा नहीं होता। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी ही आपका इक्विपमेंट है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बहुत लगाने के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। मैं भी बहुत कुछ करता हूँ और सैलरी में काम नहीं चलता है, इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता हूँ। जब भी आप अपना फील्ड चूज कर रहे हैं, आपको फिटनेस मॉडलिंग करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कोच सबसे जरूरी पॉइंट में से एक है, बिकॉज बिना राह दिखाने के आपको रास्ता नहीं पता चलेगा। आप अपने आप कब तक चलेंगे? यहाँ देखिए, आप किसी भी बड़े से बड़े स्टार या किसी भी फील्ड में ले लीजिए, सबके गुरु हैं। अगर सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है लेकिन उनके ऊपर भी कोच थे, तो जो कमियां वो अपने अंदर जान पहचान नहीं पा रहे थे उसके लिए वो कोच थे उनके ऊपर। तो कोच जरूर लीजिए। अगर आपको इसमें सर्वाइव नहीं करना, आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बनना है, अचीव करना है और बाय प्रोफेशन या बाय पैशन भी एक लेवल तक पहुंचना है, जैसे मैं भी अगर मैं मानूं तो गॉड ऑफ मेंस फिजिक मानता हूं मैं उनको, ओमार वेंचर, मैं उनके अंडर ट्रेन कर रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी बॉडी सिमेट्री पे मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने जो वीक पार्ट थे उन पर काम कर रहा हूं, डाइट, कार्ब साइकिल, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूं। तो कोच का होना, आपको डिसाइड करना है कि आपको कोच कौन सा चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि 10th क्लास जो पढ़ाते हैं वो 8th फेल होते हैं, ऐसा नहीं। 10th पास पढ़ाएं वो ग्रेजुएट हो, कम से कम ये तो हो। आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस पे देखिए आपका कोच किस लेवल के हैं, तो ये बहुत जरूरी है, कोच लेना बहुत जरूरी है। कुछ कोचेज को पर्सनली तौर पे मैं जानता हूं और ऐसे मैं किसी का नाम मिस कर दूं तो उसके लिए सही नहीं होगा, लेकिन जिनको मैं पर्सनली जानता हूं वो बहुत सारे हैं। इनमें से मेरे फेवरेट हैं, वैसे तो सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उसमें गुरु फरा हैं, जो जिनकी टीम भी बहुत बड़ी है और बहुत सारे ओलंपियन हैं उनके पास, बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं और बहुत ट्रू ओपिनियन देते हैं। दूसरे जो मेरे कोच है ओमार वेंचर, उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और कुछ मेरे दोस्त जो ट्रेनिंग कराते हैं, जुरेंद्र करीवाला, जितने भी क्लाइंट हैं उसके, जितने भी ऑनलाइन पीटी वो करवाता है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है या कंपटीशन की तरह करवाता है, बहुत सेफली और बहुत जेंटलमैन की तरह वो अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेन करता है। वहीं लवप्रीत जो मेन्स फिजिक में अभी आने वाला बहुत बड़ा जिसका फील्ड होने वाला है इंडिया में, बहुत ग्रो करने वाला, वो भी बहुत अच्छा कोच है। तो और भी बहुत सारे इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे मैं जिनको जानता हूँ हैरी संधू, जिनकी टीम अच्छी है, जिनकी कोचिंग देने का तरीका अच्छा है, वो भी अपना ट्रू ओपिनियन रखते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 मिथ। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लेकर बहुत सारे मिथ है, और बॉडी बिल्डिंग में तो स्पेशली एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर आप चूज करना चाहते हैं कि यार ये तो स्टीरॉयड लेने से ही बच जाएगी। अगर ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जेनेटिक अगर काम ही नहीं करते, सिर्फ स्टीरॉयड ही काम करती, तो दुनिया में जितनी भी स्टीरॉयड है अगर वो मैं भी ले लूं तब भी मैं रोनी कोलमैन, जे कटलर ये नहीं बन सकता, डेक्स्टर जैक्सन नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास वो गॉड गिफ्टेड वो जेनेटिक्स वो नहीं है जो उनके पास है, वो डेडिकेशन नहीं है जो उनके पास है। तो यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाती है, साइंस फेल हो जाती है, यहाँ पे आके मेडिसिन फेल हो जाती है। वो एक सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन बहुत बड़ा प्ले जो रोल प्ले करती है वो जेनेटिक्स होती है। तो मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे भी पहले ये लगता था कि जो ये फॉरेन एथलीट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, लेकिन जब से मैं भी इंटरनेशनल कोच के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो वही सिंपल फूड और वही वर्कआउट, वही तरीका है सभी का, बस इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है आपके जेनेटिक की तरफ से। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने जिम शुरू किया तो हम दो दोस्त थे, हम दोनों ने सेम डाइट का पैटर्न यूज़ किया, सेम हम साथ में वर्कआउट करते थे, लेकिन मेरी बॉडी उससे ज़्यादा इंप्रेसिव हुई, ज़्यादा गेन की, बिकॉज
मेरे जेनेटिक उससे अच्छे थे और उसके थोड़े कम थे, तो उसकी आज तक नहीं बनी। बस यही फर्क होता है, जेनेटिक यहाँ पे आके आपको बहुत सारी पावर देते। तो मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, स्टीरॉइड से बॉडी नहीं बनती। पॉइंट नंबर 7 है, अपना रास्ता आप चूज करें, आपको क्या करना है। कोई भी आपको दबाव नहीं देगा, आपको शॉर्टकट लेने के लिए नहीं बोलेगा, आपको लॉन्ग कट लेने के लिए नहीं बोलेगा, आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि आ तू ये स्टीरॉइड ले ले, तू मेंस फिजिक खेल ले, या तू फिटनेस मॉडल बन जा या बॉडी बिल्डर बन जा। ये सब आपके फैसले होने चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका भविष्य कहाँ जाएगा। आपके पास ये तंत्रिका तंत्र दिया है, मस्तिष्क दिया है, गूगल दिया है, इंटरनेट दिया है, आप खुद सर्च कीजिए, आर्टिकल्स पढ़िए, अपनी फैमिली से बात कीजिए और अपने जो पाथ है, अपना जो रास्ता है, खुद डिसाइड कीजिए। बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ मंजिल है, तब तक आप उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो चूज़ कीजिए अपने पाथ को और बात कीजिए अपने घर में, फैमिली से अच्छी सलाह कोई दे ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 8, इंडियन फिटनेस वर्सेस फॉरेन फिटनेस। अब मैं इन दोनों में कैसे डिफरेंस पैदा कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारी जो सोच है वो अलग है, बाहर वालों की सोच अलग है। हमारे जितने भी इंडियन एथलीट हैं, यंगस्टर हैं, या कुछ बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, वो उनका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे काम करता है, यार माल डाल लो अंदर, या शॉर्टकट ले लो, उससे एक्स्ट्रा डाल लो, उससे बॉडी ज़्यादा बन जाएगी। जबकि फॉरेन जो एथलीट हैं, उनका फोकस होता है डाइट, न्यूट्रिशन, डेडिकेशन, वर्कआउट। वो साइकिल को यूज़ करते हैं 5%, हमारे यहाँ पे उल्टा है, 55% से ऊपर साइकिल पे विश्वास करते हैं। साइकिल एटलस हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइकिल पे विश्वास करते हैं, गियर्स पे विश्वास करते हैं। वहाँ के लोग हैं डाइट और न्यूट्रिशन, फूड पे विश्वास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको सरप्लस मिली है, एनवायरमेंट, जेनेटिक्स, जो यहाँ से बेटर है। लेकिन हमारे इंडिया में भी कमी नहीं है जेनेटिक्स की और फूड की और जेनेटिक फ्रीक की और बॉडी बिल्डर्स की। अभी बहुत यंग टैलेंट हमें दिखाई देगा आगे आने वाले समय में स्टेज पे। तो ये डिफरेंस आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस लेवल की है, और आप अपने आप से बेहतर कोच हो ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 9 है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए कभी भी अपना कैरियर चूज मत करें। जैसे फिटनेस मॉडल बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, वो सोशल मीडिया पे ना बने। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं शॉर्टकट ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए। अगर आपको इन्फ्लुएंसर भी बनना है ना, तो भी आपको स्मार्ट वे में जाना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। आप है तभी तो आप दूसरे को देख पाएंगे। तो अपना जो भी कैरियर आपको चूज करना है, अगर आपको फिटनेस मॉडल भी बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम। अभी जैसे देखिए, अभी पीछे क्या हुआ था ना, ये खबर चली गई थी कि इंस्टाग्राम अब नहीं रहेगा, या कुछ भी होगा, क्या पॉलिसीज आ जाएंगी। जैसे टिकटॉक चला गया, इंस्टाग्राम भी चला जाएगा, क्या पता आप और मैं जिस पे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो हो या ना हो। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ना रहें, आप ऑफलाइन भी हो, आप फेस वैल्यू भी अपने बनाए, अपनी एजुकेशन भी पूरी करें, चाहे वो फिटनेस मॉडलिंग में जाए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में जाए। तो सोशल मीडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ना थे। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन आज इस वीडियो को सीमित रखते हैं। पॉइंट नंबर 10 जो है वो है शॉर्टकट वर्सेस पेशेंस। दुनिया का कोई भी पैशन, प्रोफेशन, पढ़ाई, इंस्टीट्यूट, सब में आपको पेशेंस की जरूरत है। या बिजनेस हो, या स्टडी हो, या बॉडी बिल्डिंग हो, या फिटनेस मॉडलिंग हो, सब में आपको पेशेंस चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और आपका जो एम है उसको पाने के लिए आपको हार्ड वर्क और पेशेंस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप जिन बॉडी बिल्डर्स के नेम जानते हैं, आप सिर्फ वो देखते हैं कि वो किस ईयर में जीते हैं। आप उनके पीछे का स्ट्रगल देखेंगे ना, वो कितने शोज हारे हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सी उम्र में उन्होंने शुरू किया था, तो वो सारा का सारा आता है आपके धैर्य के ऊपर। तो लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे ज़रूरी है पेशेंस को रखना। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और अगर आपको चूज़ करने हैं अपने प्रोफेशन, तो फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस करना आप समझ जाइए। और अपने जो भी मैंने पॉइंट बताई है, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से हैं, कहीं पढ़ के या देख के नहीं बोल सकते हैं। आप जब खुद आजमाएंगे, आपको खुद नॉलेज होती चली जाएगी। आप बहुत स्मार्ट है, दुनिया में सबसे स्मार्ट इंसान ही तो है। तो अपने मस्तिष्क का यूज़ कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने प्रोफेशन और पैशन में डिफरेंस चूज़ कीजिए, और हेल्दी रहिए, अपने फैमिली को ग्रो कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। मैं तो आता रहूँगा, इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। आप सपोर्ट के लिए लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना हो सके
यंगस्टर्स को, अपने दोस्तों को जो फिटनेस में, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस कोरोना काल में लड़ते रहिए अपने फैमिली के साथ, और अपने आस पड़ोस में भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ, और देश स्वस्थ तो हम को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।